الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله कहा था कि वो वाली
असातिज़ा की खिदमत करो, वक्त पर पढ़ो, पाबंदी करो। एक बात आपको बता, हमारे जो इदारे तालीम के वक्त में मदरसे, अबू तैयबा नामी एक पचना लगाने वाले को
बचना लगाने वाले को दे दे क्या हम कितना दे। लेकिन सरकार ने दीनार किए, कहते हैं कि मैं रकम जमा करता रहा एक दीनार बन गया, तो मैंने पचना लगवाया और पचना लगाने वाले को दीनार दिए। इस सुन्नत पर भी अमल किया। जिंदगी में सुन्नतों पर अमल जरूरी। असातिज़ा सुन्नत के नमूने बन जाए ताकि तलबा भी सुन्नत के नमूने। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जब असातिज़ा की सुन्नतों पर अमल की शक्लें देखेंगे कि ये पहली सब में खड़े होते हैं, तो सब तलबा की पहली सब की कोशिश। और कंप्लीट नमाज पढ़ो, नफले भी मत छोड़ो, आपको और करने के नफले भी पढ़ो, पहली सब में भी खड़े रहो। जब तालिबे इल्म मदरसे में आता है तो जरा उसको मुश्किल लगता है। यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तालीम है, अंग्रेजी तालीम भी है, साइंस भी है, सब पढ़ा रहे हैं। हजरत माना ने बताया मेडिकल कॉलेज भी इंशाल्लाह खुलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये सब तलबा जो है ये इस्लामी माहौल में दुनिया का एजुकेशन भी हासिल कर। एक्वायर कर रहे हैं वो दुनिया का है, लेकिन मद्देनजर दीन हो। शुरू में थोड़ी जद्दोजहद होती है, मेहनत होती, फिर अल्लाह ताला आसानियां फरमा देते हैं। फारसी का शायर कहता है, रंज राहत शुद्ध चुशुद मतलब बुजुर्ग, गर्द गल्ला पर आए चश्मे पर, विशाल बड़ी अच्छी है। भेड़िया जो है वो हिरनियों के पीछे दौड़ रहा है, जंगल है वो बाघ उड़ रहा है हिरनियों के दौड़ने की वजह से। तो किसी ने मशवरा दिया, यहां पर मशवरा देने वाले फ्री में बहुत नहीं, मशवरा दिया भेड़िए को कि आपकी आंखें दोबारा रूठ रही, परेशानी आपको आंखों में से आंसू जारी, पानी निकल रहा। तो खाम खा क्यों दौड़ रहे हैं, जरूरत फरमा रहे हैं, आराम फरमाइए बैठे। तो भेड़िए ने जवाब दिया, भेड़िए ने कहा आगे मेरा मकसद जा रहा है, जो गुबार तुम्हें लग रहा है कि मुझे परेशान कर रहा है वो मेरी आंखों का सुरमा है। क्योंकि आगे मेरा मकसद जा रहा है, तो अब मकसद हासिल करने के लिए, रेम हासिल करने के लिए मेहनत दरकार। लौकाना हाजल रेम युद्ध रखो बेमुना माकान यद का बरी यदि जाए।
मुहदिस चलते रहे, भाई मदीना उन्होंने हदीस शरीफ के लिए सफर किया और कई बार उनको खून का पेशाब आया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चलते रहे, खाना खत्म हो गया तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पत्ते चबाए। इतनी मेहनतें की इब्ने बतूता, सयाह है, 27 साल सफर में रहा इल्म हासिल करने के लिए। इमाम बुखारी कहते हैं 11 साल की उम्र में रहला यानी पहला हज किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 16 साल की उम्र में इमाम बुखारी को इमाम वकी और अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की हदीस की किताबें याद हो चुकी। छह लाख हदीसों में से 6,000 हदीसों का इंतखाब किया है। जब पढ़ने के लिए हदीस शरीफ बैठो तो बावजूद हो, बावजूद हो, बेवजू हदीस शरीफ मत पढ़ो। 2 जानों बैठो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बात कायम किया है इल्म में कि तालिबे इल्म अगर चाहता है कि कुछ हासिल हो तो उसे अदब से रहना पड़ेगा, 2 जानों उस्ताद के सामने बैठना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी खालाजान हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और जाकर इजाजत ली कि आज की रात मैं सरकार की खलवत की इबादत देता। 10 साल की उम्र क्या हो, लेकिन दीन तड़प से आता है, फिक्रों से आता है। और खुश नसीब है आप लोग कि अल्लाह ताला ने आपको यहां भेज दिया। हम वहां से रास्ता काट के औरंगाबाद से यहां तक आए, लाखों हजारों लोग जो कि अपने अपने कामों में लगे और एक आप है कि अल्लाह ने आपको मुंतखब करके यहां भेज दिया। यह अल्लाह का इनाम है, दुनिया के झमेलों की आपको खबर नहीं है और अल्लाह ताला ने आपको अपना दीवाना बना दिया, दीन के काम में लगा दिया, लेकिन खाली इल्म हासिल हो जाए इतना काफी नहीं है। मौलाना एरोन ना कह रहे أيها القوم الذي في المدرسة كل ما حصلته وسوسة मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, जिंदगी में उतारा कितना चेक किया जाए। हाफिज ने कुरान के सर पे ताज भी पहना दिया, पगड़ी बांधी, हाथ में सनद की, हदीये हदाए तोहफे दिए, वो तो बल्ली को नहीं मानता, वो तो पहली रमजान को धक्का देता है मुसल्ले पर के चल मैंने इतना तो कितना बड़ा बस। अमल चाहिए, डिग्री सिंपल नहीं होता। हमारे मदरसे में एक उस्ताद है, अभी तो उस्ताद हदीस हो गए, उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि हजरत सनद दे दीजिए हदीस। मेरे वालिद साहब ने फरमाया
सहाबा के पास कोई सनद नहीं थी, लेकिन उनका अमल ही उनकी सनद। आपने सनद ड्राइंग रूम से लेकर बाथरूम तक लटकाई, लेकिन अमल जिंदगी में नहीं है तो क्या कहा? सनद क्या करेगी? है नजात दिलाई? सहाबा ने किताबें नहीं लिखी, लेकिन उनके अमल ऐसे के दूसरों ने किताब ली। वो तो बस सरकार ने फरमाया तो अमल करते चले गए। उनको ये नहीं पड़ी थी कि हमारी तालीम लिखी जाए, उनको ये कि हमको जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम से अल्लाह राजी होंगे कि नहीं हो। जब आप यहां आए, जानते हो सबसे पहला काम क्या करना? सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करना। पढ़ाने वाला भी अपनी नीयत को दुरुस्त करे, और पढ़ने वाला छोटा हो के बड़ा हो उसको समझाया जाए कि बेटा तू आया है अल्लाह को राजी करने। वरिद्वान मिन अल्लाह अकबर, अल्लाह राजी हो जाए तो सबसे बड़ी बात। ये जो दरसे निजामी आप पढ़ेंगे या किस करेंगे, नौकरी के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं। जो आदमी दीन का सच्चा खादिम बन जाता है, दौलतें उसके कदमों में ढेर हो जाती है। हकीम उल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब खान की रहमतुल्लाह अलैह को एक सेठ साहब ने 1,00,000 रुपया हदीये में दिया। हजरत के हदीया लेने के लिए मुझे सुन थे, जानना पहचान किसी का हदीया नहीं। उस जमाने के 1,00,000 रुपये तो आज के जमाने के 50,00,000 रुपये के बराबर। हजरत ने वो हदीया वापस कर दिया। सेठ आ गया मुझसे, अरे मौलवी तुझे कभी 1,00,000 किसी ने दिया कि है जो वापस कर? हजरत ने जवाब लिखा कि तेरे को भी ऐसा कोई मिला है कि तेरे 1,00,000 तेरे मुंह पे पड़ा है? तो इल्म आएगा तो बेनिया दिया जाए, फिर चारों तरफ से माल आए। अल्लाह सब दे, किसी भी आलिम को अल्लाह भूखा नहीं रखे। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि मैं 27 मुल्कों में घूमा, लेकिन किसी हाफिज को परेशान नहीं दे। अल्लाह का कलम सीने में जमा दे। भाई किसी सेठ का हम काम करते हैं तो सेठ कहता है तू मेरा काम कर ले, तेरे घर का सब निजाम पूरा कर दूंगा। जब अल्लाह का कलम सीने में रख लेगा तो क्या परेशान हो। परेशानियों का हल अल्लाह ने दीन में रखा है, इस यकीन के साथ चलिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अल्लाह क्यों रही किया, इतने अब्बास को इतना रही क्यों दिया? सबसे बड़ी वजह यह है कि इतने अब्बास को एक तो तलब थी, बेतलब को मिलता है। दूसरा अदब बहुत, बादब बानसी, अदब बहुत। अदब के तो बेशुमार वाकयात हैं, लेकिन अभी वक्त भी नहीं है। आप लोग भी सोचते होंगे कि लंबा ना करे तो अच्छा है, इसलिए मैं शॉर्ट करता हूं। जब सरकार रात को उठे, ये रिवायत जो कितनी
जब सरकार इस्तिंजा के लिए गए तो इन्होंने वजू का पानी रख दिया। 10 साल की उम्र में इतनी समझ आई कहां से? लेकिन सरकार ने मदीने वालों की तरबियत ऐसी की थी कि उनकी जिंदगी में बच्चे बच्चे में अदब आ गया, उनमें अदब था। एक रात सरकार 12 बजे तक नहीं निकले नमाज पढ़ने, बुखारी में रिवायत 12 बजे रात को नहीं निकले। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन किसी ने चूहा छिड़ा नहीं किया। अगर 10 बजे का टाइम है, 2 घंटे लेट हो चुके आप नहीं आए, और इमाम जो है 5 मिनट लेट होता है तो लोगों की गर्दन की हड्डियां खत्म होकर अंदर स्क्रीन आ जाती है। जब देखते हैं अंदर देखते हैं कहां है इमाम, क्या है। लोगों की एक दो साथ सोची होगी, इमाम की सब साथ है, जितने मुक्तदी और सब इमाम की साथ है। हर एक को पूछने का हक है इमाम को, इमाम को किसी को पूछने का। अरे भाई ये वजू का पानी किसने रख दिया? हजरत मैमुना रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि ये आपके चचाजा भाई ने रखा है। सरकार ने बुलाया, सीने से लगाया और दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु अल-किताब। इतनी खुशी के मौके पर इतना खुश हुए छोटे से बच्चे के अदब से कि हुजूर ने दुआ दी तो कुरान के रेंग की दुआ दी। इससे अच्छी कोई दुआ होती तो हुजूर दे, इससे एक की अहमियत का अंदाजा होता है कि रेंग कितनी वकीर चीज है जिसके लिए सरकार ने दुआ फरमाई। और उलमा तशरीफ रखते हैं, सरकार को अल्लाह ने इल्म अव्वलीन और आखरीन अता किया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इल्म गैब मिला है। इल्म गैब का सरकार ने खुद इनकार किया कि मेरे पास नहीं। एक मर्तबा अंसारियों की शादी में गए हुए और वहां छोटी छोटी बच्चियां ताने गा रही थी आरबी के, इसमें एक बच्ची ने यह शेर पढ़ा, वफीना नबी माफी कदीन। हम में ऐसे नबी हैं जो कल की बात जानते हैं, सरकार ने फरमाया न कहो मैं कल की बात नहीं जानता। नबी आलिमुल गैब तो होता है, आलिमुल गैब इतना गरीब अल्लाह ने सरकार को अदा फरमाया। उसके बावजूद आलम यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इल्म की ज्यादती मांगो, और आप फरमाइए कि आलमीन मेरे इल्म में इजाफा फरमाई। इमाम मोहम्मद
पूछा गया भगवत आपके साथ क्या मामला किए, जवाब दिया अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। पूछा गया क्या चाहते हो, जवाब दिया मग़फ़िरत चाहता हूं। उधर से जवाब आया कि मोहम्मद अगर मग़फ़िरत ना करती होगी तो तुझे यही न दे। इससे ये पता चला कि आपको अल्लाह ने मंतखब करके यहां भेजा है तो अपने टाइम को और एक एक मिनट को वैल्यूएबल बनाइए। मेरे वाली साहब एक बात कह रहे थे, अभी दौरे के मिशकात के हिदायत के सब तलबा भी जमा है, ये दौरे के तलबा एक साल के बाद जब चले जाएंगे फारिग होकर आप उनको खत लिख के बुलाओ तब भी ये जमा नहीं हो गए, और अभी जमा हो गए हैं, जमा है और रहेंगे, तो ये जमा होने को गनीमत समझकर इल्म हासिल। अंग्रेजी का राइटर अजीब बात लिखता है, टाइम है ना टाइम, टाइम इज लाइक द फ्लो ऑफ रिवर। टाइम जो है समंदर के बहते हुए धारे के तरह, यू कांट टच द सेम फ्लो ट्वाइस, एक ही बहाव को दो मरतबा छू नहीं सकते, आगे बढ़ जाए। इस तरह जो टाइम आपको मिला है वो आपके लिए ठहरेगा नहीं, टाइम इज नॉट वेटिंग फॉर एनी वर्ल्ड, टाइम किसी का वेट नहीं करता, टाइम इज गोइंग टू रन, टाइम का रन यू हैव टू एक्वायर इन दिस टाइम, आपको टाइम के अंदर में हासिल करना है। If the time is gone, you have to shine. जब वक्त चला जाएगा तो नदामत के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। कितने लोग मुझे मिले हैं जो बीच में से तालिब-ए-इल्म छोड़कर किसी और काम में लग गए, आज अफसोस करते हैं कि काश पढ़ लिया होता, मालूम नहीं आज कहां से कहां हो गए, फलां मौलाना कहां पहुंच गए, फलां मौलाना कहां पहुंच गए, फलां कहां पहुंच गए, और हम लोग होटल में चाय के प्याले धो रहे हैं, छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े हजरात भी बैठे हैं, तीन दुनिया का एजुकेशन पूरी तरह एक बार कीजिए, सिर्फ इस फर्क को मजबूत रखिए कि दुनिया की तालीम वक्त का तकाजा है और दीन की तालीम मकसद जिंदगी, ये दोनों के फर्क के साथ चलते रहिए। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और इस इल्मी इदारे को अल्लाह ताला बहारे देखने का मौका अता फरमाए। हमारे हजरत मौलाना बिन्यामीन साहब को अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए, तमाम असातिज़ाए किराम को इल्म में बरकतें अता फरमाएं, हमारे शेख उल शेख हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब बस्तानवी दामत बरकातुहुमुल आलिया को आफियत के साथ सेहत के साथ उम्र दराज अता फरमाएं और उम्मत पर उनका साया कादिर कायम दायम फरमाएं। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने की इजाजत चाहता वहां से उदाहरण اللهم إنا نسألك علما نافعا
عملك متقبلة ورزقك واسعة وشفاءك كل داء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا موقف معقب قدرنيوں سے درگزر فرمو، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرمو، رحم کے کرم کے فیصلے فرمو، اپنی رضا دائمی عطا فرمو، علم نافع عطا فرمو، عمل صالح نصیب فرمو، اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمو، ادارے کو ترقی عطا فرمو، چھوٹوں کو بھی علم دے، بڑوں کو بھی علم دین عطا فرمو، تیری رضا مندی کے لیے پڑھنے والا پڑھانے والا کر. اے اللہ تم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے الہ العالمین جو بچے چھوٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی علم نافع دے اور جو بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو عمل صالح سے مالا مال فرما. اے الہ العالمین ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہدایت کی حفاظت فرما اور جتنے جتنے ادارے عقیدہ حقہ سے متعلق چل رہے ان تمام کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. میرا پتی گیا ہے.